नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नायक टेक्नोलॉजी पर। मेरा नाम है योगेश नायक। दोस्तों, अगर आप एक NPS सब्सक्राइबर हैं तो ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आपके पास प्रान नंबर और उसका पासवर्ड होना जरूरी है। दोस्तों, अगर किसी वजह से आप अपना NPS यानी कि प्रान अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं या तो फिर अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड हो चुका है तो आप किस तरीके से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं यानी कि नया पासवर्ड किस तरीके से बना सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप वीडियो देखकर तो चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, बस नीचे दिख रहे रेड बटन को आपको जो है क्लिक करना है, सब्सक्राइब जिस पर लिखा है, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि दोस्तों आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं आप अपने NPS प्रान अकाउंट के लिए किस तरीके से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके NPS प्रान अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर्ड हो गया है या तो फिर आप अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको NSDL के NPS नेशनल पेंशन सिस्टम के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है, या तो फिर अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो NPS का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, इस पोर्टल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां आ जाने के बाद आपको सब्सक्राइबर्स लॉगिन का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहां हमें पासवर्ड रीसेट करना है तो रीसेट पासवर्ड का नीचे लिंक दिया गया है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर दो ऑप्शन मिलते हैं, रीसेट पासवर्ड यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन। अगर आपको अपना सीक्रेट क्वेश्चन और आंसर याद है तो आप इसे सिलेक्ट करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इंस्टेंट सेट रीसेट पासवर्ड इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर इंस्टेंट सेट रीसेट पासवर्ड इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रीसेट आई पिन विया नोडल ऑफिस और जनरेट ओटीपी दो ऑप्शन देता है, मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अपना प्रान नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है। रिसीव ओटीपी विया आप SMS के जरिए या तो फिर ईमेल के जरिए ओटीपी किसके जरिए पाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की जगह आपको एक पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ एंटर कर लेना है और दिख रहे कैप्चा कोड को यहाँ एंटर कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैप्चा कोड तो रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके आप नया कैप्चा कोड यहाँ पर ला सकते हैं, कैप्चा कोड एंटर कर लेना है। ये सारी डिटेल एंटर कर लेने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप नियमानुसार पासवर्ड नहीं बनाएंगे तो कुछ इस तरह का एरर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक अल्फाबेट कम से कम होना चाहिए और नंबर होना चाहिए, इस तरीके का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। सारी डिटेल एंटर कर लेने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए आपके मोबाइल पर एक OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ एंटर करना है। OTP एंटर कर लेने के बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, यूजर ID, प्रान नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर टाइम स्टैम्प टाइम भी यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन का लिंक दिया है, सिंपली इस पर जाएंगे और अब दोस्तों अपना प्रान नंबर और पासवर्ड एंटर करके दिख रहे सिक्योरिटी कोड को एंटर करके सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं।